नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ा, पुराने साथी थे, आरजेडी में शामिल हुए, चुनाव लड़ा और जीत कराया गए। सबसे पहली प्रतिक्रिया, विधानसभा में शपथ लेना है आज आपको? बिल्कुल लेना है, शपथ तो लेने की प्रक्रिया है, इसलिए लेना ही पड़ेगा और इसीलिए शपथ लेने के ख्याल से ही मैं यहाँ आया हूँ। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का खाता नहीं खुल पाया इस बार। अब उस संदर्भ में मुझको कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि उस पार्टियाँ में मैं हूँ नहीं, तो उस पार्टी के विषय में मुझको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ, तो राष्ट्रीय जनता दल के संदर्भ में ही अधिक सोचना पड़ेगा। चुनाव से पहले आप आरजेडी में शामिल हुए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा, नेतृत्व कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा नेतृत्व है, लोगों की तो भावना इनके साथ आज भी जुड़ी हुई है। बिहार की जनता बदलाव की भावना से लगी हुई थी, पूरी जद्दोजहद के साथ चुनाव लड़ा गया। तो तेजस्वी यादव में तो तेज है ही, मेधावी है ही, हर तरह से वो समझिए कि राजनीतिक योग्यता रखने वाले लोग हैं, उनके प्रति तो लोगों की रुझान आज भी है। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी आपके क्षेत्र के लिए? स्पष्ट है, उसमें तो पहले से भी घोषित है। उसमें सबसे बड़ी बात है पढ़ाई है, दवाई है, सिंचाई है, कमाई है। ये नारा उपेंद्र कुशवाहा का था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें से तो हम लोग भी हैं ना। ये तो हम लोगों का दिया गया अभियान है, हम लोगों ने इसको चुनाव में भी उत्कंठ स्वर से कहा है लोगों के बीच में, और यही प्राथमिकता है कि लोगों में ये लोकहित की बात है, जनहित की बात है, इसलिए यह मेरा मुद्दा है, मेरा अभियान है जी। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे थे सदन में, उठाएंगे अब क्योंकि चुनावी उनका एजेंडा था? जो मुद्दे लेकर के हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, उन मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे और सरकार से इन मुद्दों पर गंभीर करेंगे, और चूंकि यही जनता की मांग है, इस मांग को लेकर के तो निश्चित तौर पर हम लोग उठावेंगे, जोरदार तरीके से उठावेंगे। चलिए, ये भूदेव चौधरी थे, कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथी रहे, चुनाव से पहले इन्होंने आरजेडी में आए, शामिल हुए और चुनाव लड़ा और जीत कर आ गए। इनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व इन्हें बढ़िया लग रहा है और फिलहाल ये फिलहाल अभी जा रहे हैं। और जो कुल मिलाकर कहें तो हलचल जो है बिहार विधानसभा में काफ़ी तेज है, एक एक कर विधायक पहुँच रहे हैं, आज उन्हें शपथ लेना है। जिन विधायकों को आज शपथ लेना है वो आज पहुँचे हैं और जिन विधायकों को कल शपथ लेना है वो कल विधानसभा पहुँचेंगे। बाजाब्ता लेटर गया है विधायकों के पास विधानसभा की तरफ से कि जिन्हें आज शपथ लेना है वो आज हैं, जिन्हें कल लेना है वो कल ही हैं। भूदेव चौधरी ने जब हमसे बातचीत कहा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्षेत्र की जनता से जो वो वादा करके आए हैं वो वादा पूरी करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।